हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपका स्वागत है मेरे 11वें लेक्चर में। जो 11वां लेक्चर है वो पोलन ग्रेन्स के ऊपर है, जबकि पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं 10वें लेक्चर में। अभी हम बात करेंगे पोलन के साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जो एग्जाम में छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है पोलन प्रोडक्ट के ऊपर कि पोलन प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, पोलन ग्रेन से काफी सारी चीजें बनती है, जो चीजें पोलन ग्रेन से बनती है उसको पोलन प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे कि पोलन फूड सप्लीमेंट्स। पोलन फूड सप्लीमेंट क्या होता है? जैसे हम लोग कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ कई बार होता है ना, कोई ताकत का कैप्सूल वगैरह खाते हैं, वैसे ही कई ऐसी चीजें हैं जो पोलन ग्रेन से ही बनती है, पोलन ग्रेन की मदद से बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, अनसेचुरेटेड फैट्स होता है। तो जब इतनी अच्छी चीजें होती है तो उससे कई हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो बाजार में वेस्टर्न कंट्रीज में कई ऐसी टेबलेट, कई ऐसे सिरप्स मिलते हैं जो कि पोलन ग्रेन की मदद से ही बनते हैं। इवन कि कई रेस हॉर्सेस को और कई एथलीट्स को ये प्रोडक्ट खिलाए जाते हैं और देखा जाता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको कहते हैं पोलन फूड सप्लीमेंट्स। दूसरी चीज जो बाजार में पोलन प्रोडक्ट के रूप में मिलती है वो मिलती है पोलन क्रीम। अब पोलन क्रीम का क्या चक्कर होता है? देखिए, मैंने बताया कि पोलन ग्रेन के अंदर अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये जो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं ये पोलन ग्रेन को नेचर में अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। इसी चीज को एक्सप्लॉइट किया गया। अगर पोलन ग्रेन के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो अल्ट्रावायलेट रे से अपने आप को बचा सकता है, तो उसी की मदद से, इसी अनसेचुरेटेड फैट की मदद से, इस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोगों ने क्या किया कि दुनिया में क्रीम्स बनती हैं। और वो क्रीम्स को हम लगाते हैं, अपनी स्किन के ऊपर लगाने के लिए यूज करते हैं, जिससे हम यूवी रेस से बचे रहे, क्योंकि आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेस बड़ी खतरनाक होती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज पोलन प्रोडक्ट। आपने दो बातें लिखनी है कि इससे पोलन फूड सप्लीमेंट बनते हैं और दूसरा क्या बनता है? पोलन क्रीम। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पोलन ग्रेन के ऊपर बनता है वो बनती है पोलन वायबिलिटी। अब पोलन वायबिलिटी क्या होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं 2 या 3 नंबर में। को पोलन वायबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक पोलन ग्रेन कितनी देर तक फंक्शनल रहता है। ऐसा नहीं है कि एक एंथर से पोलन ग्रेन बना और हवा में उड़ गया तो उसके बाद वो जिंदा रहेगा। अलग अलग प्लांट में, अलग अलग कंडीशन में उसका जीने का उसका समय होता है। जैसे आप दुनिया में देखते हैं अलग अलग स्पीसीज अलग अलग टाइम के लिए जिंदा रहती है ना। हमारा जो लाइफ स्पैन है वो 65 साल है, कोई पीपल का पेड़ है वो 2000 साल तक जिंदा रहता है। तो इसी तरीके से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, अलग अलग प्लांट के पोलन ग्रेन अलग अलग टाइम तक फंक्शनल रहते हैं। ये और भी कई कंडीशनों पर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर कितना है वहां पर ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, उसका जेनेटिक कैसी है, उसके जीन्स कैसे हैं, उस प्लांट के जीन्स कैसे हैं, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स में क्या आते हैं? सीरियल्स में पौधे आते हैं जैसे वीट, राइस, ये पौधे आते हैं, इनका पोलन ग्रेन 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है। कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि प्लांट्स में पाई जाती हैं, जैसे कि रुजेसी, फेबेसी, सोलेनेसी, इनका जो पोलन ग्रेन होता है वो तो कई महीनों तक जिंदा रहता है, तो सेवरल मंथ तक जिंदा रहता है। तो ये इनकी पोलन वायबिलिटी है। कहां सीरियल्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं और कहां इन फैमिलियों के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कई महीनों तक जिंदा रहते हैं। तो पोलन वायबिलिटी में ये हमने सब कुछ लिखना है। पोलन वायबिलिटी के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक आता है, वो ऐड होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्या करते हैं साइंटिस्ट कुछ पोलन ग्रेन्स को जिंदा रखने के लिए, फंक्शनल रखने के लिए, हम लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर लेते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। जब आप -196 डिग्री सेल्सियस में आपको आप प्रिजर्व करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इस तरीके से क्या होता है, पोलन ग्रेन फंक्शनल रखे जाते हैं, जिस वक्त उनको जरूरत होती है उनको यूज करते हैं। ये सब कंसेप्ट हमने पोलन वायबिलिटी में पढ़ने हैं, ये पॉइंट आपने बड़े इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें एग्जाम में पोलन ग्रेन के ऊपर पूछा जाता है वो है पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी क्या होती है? देखिए, एलर्जी का मतलब होता है कि कोई चीज हमारे शरीर में एंटर कर गई, हमारे शरीर को ऐसा लगता है कि ये हमारे शरीर की नहीं है, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके कारण हमारे शरीर में कई चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, डिफेंस एज ए डिफेंस के तौर पे, जैसे कि खांसी आ जाएगी, या बुखार चढ़ जाएगा, या हमारा जो नाक है वो बहना शुरू हो जाएगा। ये सब एलर्जी होती है।
तो पोलन ग्रेन्स, कई प्लांट्स के पोलन ग्रेन क्या होते हैं, वो एलर्जी कॉज करते हैं। जो पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन एलर्जी। इससे रेस्पिरेशन की दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा हो सकता है। ये जो पोलन ग्रेन की एलर्जी होती है ये देखा जाता है मौसम, कई बार मौसम बदलता है, जैसे कि गर्मी है तो गर्मियों में आम के पौधे फले हैं तो कई लोगों को आम के पौधे के पोलन उस वक्त बनेंगे, हवा में होंगे, तो कई लोगों को हो सकता है उससे परेशानी हो जाए। कोई और प्लांट उगाया किसी और मौसम में, कोई और प्लांट उगाया तो उसके पोलन ग्रेन जब किसी के शरीर में एंटर करते हैं तो उस इंसान को उस पोलन से परेशानी हो जाए, तो ये सीजनल होता है। इसको हम हे फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हे फीवर। देखिए एक एग्जांपल है जो हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, वो है कैरेट ग्रास का। ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत एलर्जिक होता है, कई लोग इससे एलर्जी हो जाती है। कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम पार्थीनियम होता है। तो ये प्लांट एक्चुअली कैरेट ग्रास जो है ये हमारे देश का नहीं है, ये फिर से बाहर से आया हुआ प्लांट है, ये प्लांट जो है इंपोर्टेड है। और आज ये जो पार्थिनियम नाम का पौधा है ये हमारे देश में इतना फैल चुका है कि ये एक वीड की तरह एक्ट करता है और कई लोगों को इससे एलर्जी होती है। तो हमने पोलन एलर्जी में ये चीजें पढ़नी है और ये चीजें हमने जो है लिखनी है, ताकि अगर एग्जाम में पोलन एलर्जी पे ये क्वेश्चन आए तो हम इसको लिख पाए। लास्ट जो इसका क्वेश्चन आ सकता है पोलन ग्रेन्स के ऊपर, कि इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन क्या है। जितना भी हमने लेक्चर पढ़ाया है इससे आपको पता चल गया होगा कि पोलन ग्रेन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपको तीन चार इंपॉर्टेंस इसकी बता देता हूं जाते जाते। सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर मेल गमीट होते हैं, मेल गमीट रहते हैं, तो ये क्या होता है, स्टोर हाउस होता है मेल गमीट का। तो फ्लावर का जो मेल गमीट होता है वो इस पोलन ग्रेन के अंदर ही रहता है। दूसरा, जब पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो मेल गमीट भी ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर ऑफ मेल गमीट में ये पोलन ग्रेन हेल्प करता है। तीसरा, पोलन ग्रेन से आपको पता है कि काफी सारे फूड सप्लीमेंट्री फूड बनते हैं, काफी सारी टेबलेट्स बनते हैं, सिरप्स बनती हैं, तो फूड में भी ये हेल्प करता है। चौथा, ये जो पोलन होते हैं ये आपको पता है कि क्रीम्स बनाने में हेल्प करता है, जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चौथी क्या होगी, हेल्प इन मेकिंग क्रीम्स। और पांचवा जो है वो अभी आपको मैंने बताया लास्ट में, कि जो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये एलर्जी कोज करते हैं, एलर्जी भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में मैंने जितने भी टॉपिक आपके साथ बोले हैं, जिसमें हमने पढ़ा पोलन प्रोडक्ट, पोलन वायबिलिटी, पोलन एलर्जी, और हमने क्या पढ़ा, क्रायो प्रिजर्वेशन, हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन, ये आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो ये लेक्चर रिवाइंड करके देखें। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, जो क्वेरी है, तो मेरे से जरूर पूछें। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अगले लेक्चर में आपसे फिर से मिलूंगा, जिसमें हम पिस्टल का स्ट्रक्चर, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है पिस्टल, उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।